नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोमेद रत्न के बारे में और जानेंगे कि यह रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए और इस रत्न के क्या क्या लाभ हैं, किन किन परिस्थितियों में इस रत्न को धारण किया जा सकता है, इसके साथ साथ इस रत्न को किस धातु में धारण करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक रत्न को धारण करने के लिए कुछ विशेष धातुएं बताई गई हैं। उन रत्नों को उन्हीं धातुओं में अगर हम धारण करते हैं तो आप उन रत्नों से मिलने वाले शुभ रिजल्ट को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी रत्न को जब आप धारण करें तो उसका एक एनर्जाइट करने का एक प्रोसेस होता है। वह प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से रत्न एनर्जाइज होते हैं और किस प्रकार से इसे एनर्जाइज करके धारण करके अपने लाभ के लिए प्रयोग में किया जा सकता है, इस सभी बातों के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं गोमेद रत्न के बारे में। गोमेद रत्न राहु ग्रह का रत्न होता है। इस रत्न को जिन जातकों का जन्म, जिन जातकों की नाम राशि कुंभ है, वे जातक इस रत्न को धारण कर सकते हैं, या ये कहें कि जिन जातकों का प्रचलित नाम कुंभ राशि के अंतर पर आता है, वह जातक इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन जातकों का जन्म 15 फरवरी से 14 मार्च के बीच में होता है, वह जातक भी गोमेद रत्न धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आइए देखते हैं कौन कौन जातक इस रत्न को धारण कर सकते हैं, किन जातकों को इस रत्न को धारण करना चाहिए। सबसे पहले मानसिक रोग के विषय में बताया गया है। जिन जातकों को किसी भी प्रकार से मेंटली परेशानी रहती है, मानसिक रोग रहते हैं, वे सभी जातक इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनिद्रा। जिन्हें अनिद्रा से रिलेटेड कोई परेशानी रहती है, नींद समय पर नहीं आती या नींद पूरी नहीं होती, वे जातक भी इस रत्न से रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मन ना लगना या जी उचटना। कभी कभी होता क्या है कि हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं और हमारा उस कार्य से मन हट जाता है। जिस प्रकार से छात्र होते हैं, छात्रों का एजुकेशन से मन हट जाता है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, उस स्थिति में भी जातक अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके गोमेद रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी उचटना, ये उच्चाटन वाली जो बात है, यह कहाँ कहाँ देखी जाती है, कई क्षेत्रों में देखी जाती है। जैसे कभी कभी जो व्यापारी वर्ग हैं या जो जॉब कर रहे हैं, वे देखते हैं कि उनका जॉब से मन हट जाता है या व्यापार से मन का उच्चाटन होता है कि मन नहीं लगता कार्य को परिवर्तन करने का मन करता है, या किसी न किसी प्रकार से वे बार बार अपने कार्य व्यवसाय को चेंज करते रहते हैं। तो उस स्थिति में भी गोमेद रत्न को धारण करके आप अपने मन को अपने कार्य व्यवसाय अपनी जॉब पर लगा करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मन का उच्चाटन कई प्रकार से हो सकता है, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपका मन उच्चाटन होता है तो आप उस स्थिति में गोमेद रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिर्गी। मिर्गी एक मेंटली ही डिजीज़ है, जिसके अंतर पर अगर किसी को यह डिजीज़ है तो वह भी जातक गोमेद रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकता है और अपनी डिजीज़ से रिलीफ प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपने बर्थ चार्ट का अच्छे प्रकार से विश्लेषण करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ मेडिसिन की अपनी एक अलग, मेडिसिन का अपना एक अलग रोल होता है और एस्ट्रोलॉजिकली रत्नों का या उपायों का एक अलग रोल होता है। कभी भी अगर आप किसी रत्न को धारण करते हैं, मेडिसिन को आप कंटिन्यू रखें और साथ में रत्न या कोई उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेडिसिन को किसी भी कभी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए और साथ साथ इन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, राहु ग्रह की महादशा हो इस रत्न को धारण करने के लिए, चूँकि ये राहु ग्रह का रत्न होता है, राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जब भी राहु ग्रह की महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, या आपके बर्थ चार्ट के अनुसार भी राहु ग्रह आपको शुभ फल दे सकता है, उस स्थिति में भी आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं और गोमेद रत्न करने से आपको शुभ फलों की प्राप्तियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, कालसर्प योग।
कालसर्प योग जो है यह योग राहु और केतु के माध्यम से तैयार होता है। जब भी सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, या तो हमारे बाई बर्थ के हों या ट्रांजिट में गोचर में जिस समय प्लेनेट गोचर कर रहे हैं, उस समय में भी सभी ग्रह आपके लग्न अनुसार आपके लग्न के अनुसार सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, उस समय कालसर्प दोष का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से जीवन में जातक तरक्की नहीं कर पाता। जीवन में आए दिन अप एंड डाउन वाली स्थिति। कालसर्प योग सेम एक सांप की तरीके से होता है और राहु जो है वह उसका फन होता है और केतु उसका पूंछ का हिस्सा होता है। जिस प्रकार से सांप लहरवे खाता हुआ चलता है, जिग जैक वाली स्थिति में चलता है, जातक का जीवन जिग जैक वाली स्थिति में आ जाता है, तो उस समय में भी आप गोमेद रत्न धारण करके कालसर्प योग से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं और इससे मिलने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट नेता वर्ग, जो भी जातक राजनीति में है या नेता हैं, राजनेता हैं, किसी भी प्रकार से राजनीति से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन जातकों के लिए गोमेद रत्न को धारण करना अति शुभदायी बताया गया है। इस रत्न को धारण करके वे बहुत बड़े समुदाय या बहुत बड़े पब्लिक के समूह को अपने वश में करके उनसे अपना कार्य करा सकते हैं। इसके साथ साथ वे अपने सभी कार्यों के अंदर कूटनीति भरे कार्यों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस रत्न को किस धातु के अंदर धारण करना चाहिए, विशेष रहता है। गोमेद रत्न को पंच धातु के अंदर धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ इसे नेक्स्ट उपयुक्त स्थान, इसे नेक गले में या मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। इसे लॉकेट बनवा करके आप गले में धारण कर सकते हैं या इसकी एक अंगूठी बनवा करके आप अपने जिस हाथ से आप लिखते हैं उस हाथ के मिडिल फिंगर में इसे धारण कर सकते हैं। इसे कब धारण करना चाहिए, धारण करने के लिए शुक्ल पक्ष के शनिवार के प्रातः सुबह सूर्य उदय से होने के एक घंटे के अंतराल पर आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र हो, उस नक्षत्र इस इन तीन नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र हो, इस नक्षत्र के अंतराल पर भी आप गोमेद रत्न को धारण कर सकते हैं और इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस रत्न को एनर्जाइज कैसे किया जाए, इसके विषय में देखते हैं। किसी भी रत्न को एनर्जाइज करने के लिए उस रत्न को अर्ली मॉर्निंग उठ करके, जैसे मैंने बताया शनिवार के दिन अर्ली मॉर्निंग उठ करके अपने घर के पूजा स्थान पर रखें और बैठ आसन भी जगा करके बैठ जाएं और किसी भी पवित्र नदी के जल से इस रत्न को धो करके साफ करके उसके बाद राहु ग्रह का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ गोमेद रत्न की जो क्वालिटियाँ हैं ये कई प्रकार का आता है। सबसे पहली जो क्वालिटी है वह ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है। सेकंड नंबर का जो गोमेद रत्न होता है वह शहद के कलर वाला, जिस प्रकार से हनी होता है, हनी का कलर होता है, इस प्रकार से इसका रंग होता है और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी होती है, ये भी अत्यधिक उत्तम रहता है। इसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट क्वालिटी जिसे हम मानते हैं और जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त होता है, वो होता है गोमूत्र के रंग कलर वाला। जिस प्रकार से गाय के यूरिन का कलर होता है, उस प्रकार के कलर का अगर आपको गोमेद मिल जाता है, थोड़ा मुश्किल से मिलता है, मिल जाता है, कॉस्टली होता है, परंतु वह इस प्रकार की क्वालिटी का गोमेद रत्न अति शुभ रिजल्ट देता है और बहुत जल्दी अपने प्रभाव को दिखाता है। इसके साथ साथ गोमेद क्या कोई भी रत्न आप जब धारण करें या परचेज करें तो उस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। रत्न में किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा ना हो, टूटा फूटा ना हो, क्रैक ना हो, नोक वाला रत्न ना हो, जिसमें नोक बनी होती है, ऐसा रत्न नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ रत्न निर्दोष होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई दोष ना हो। रत्न के अंदर अगर कोई जाल हो, कोई लाइन हो, कोई रेड कलर की लाइन अगर आती है तो भी उसे धारण नहीं करना चाहिए, ये रत्न दोषयुक्त होते हैं। इन रत्नों को धारण करने से शुभ रिजल्ट प्राप्ति की जगह पर अशुभता जल्दी प्राप्त हो जाती है और ये किसी न किसी प्रकार की परेशानी में जातक को डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से बताया गया है शास्त्रों के अंदर, उन सब चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर करके रत्न को परचेज करेंगे, धारण करेंगे, तो आप
गोमेद रत्न से मिलने वाले शुभ रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था गोमेद रत्न के बारे में एक छोटा सा वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।